नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मशरूम की फार्मिंग करने का तरीका। तो आइए जानते हैं हमें इसे किस प्रकार से करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सब पहला चरण की ओर। तो हमारा जो पहला चरण है वो है कुट्टी या पुआल या बिचौलिए, आप जो कहें, उसे हमें रात भर भिगोकर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुट्टी या बिचौलिए में जितने भी प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया होंगे वो सभी मर जाएं। मुझे 4 किलो बीज लगाना है, तो इसलिए मैं 200 लीटर की क्षमता वाले एक टैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रकार का हौज या ड्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस हौज में 200 लीटर पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फॉर्मलिन सॉल्यूशन। तो आपको दिखाते हैं फॉर्मलिन सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा फॉर्मलिन सॉल्यूशन, ये 5 लीटर का पैक है। इसके बाद हमें चूना और ब्लीचिंग पाउडर का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम उसे डालते वक्त आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसे डालकर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, मैंने 200 लीटर पानी के लिए 3 केजी चूना लिया है, तो इसे हम चलिए डाल देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप चूने को पानी में डालिएगा तो अपने नाक मुंह को अच्छी तरीके से कपड़े से ढक लीजिएगा। तो हमने सारा चूना लगभग डाल दिया है। अब हम डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रहा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 100 ग्राम पानी में डालेंगे। 200 लीटर में मैंने 100 ग्राम ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हमने इसमें चूना और ब्लीचिंग पाउडर तो डाल दिया, अब बारी आती है फार्मोलिन की। चलिए फार्मोलिन को भी डालते हैं। यहाँ हमने 200 लीटर पानी में 100 ml फार्मोलिन लिक्विड का इस्तेमाल किया है। ये जो ढक्कन है वो 25 ml का है, तो इसलिए मैंने इसे 4 बार डाला है। तो दोस्तों, हमने सारी सामग्रियां पानी में मिला दी हैं। तो चलिए अब इसे किसी फावड़े या कुदाली की मदद से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा घोल जो है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे मच्छरदानी। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ मच्छरदानी का इस्तेमाल किस लिए किया है। तो जब हम इसमें बिचौलिया डालेंगे और जब हम इसे निकाल रहे होंगे तो इससे हमारा बिचौलिया आसानी से निकल जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें अपना जो भूसा है या कुट्टी है उसे हम डालते हैं। आप चाहें तो आप कुट्टी ले सकते हैं या गेहूं का भूसा ले सकते हैं या किसी भी तरह प्रकार का बिचौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं का भूसे का इस्तेमाल किया है। ऐसा माना जाता है कि गेहूं का भूसे में ज़्यादा उत्पादन होती है, इसलिए मैंने गेहूं का भूसा इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम इस हौज में अपना सारा गेहूं का भूसा, जो कि लगभग 80 किलो गेहूं का भूसा मैंने इस्तेमाल किया है, उसे अब हम इस हौज में डालकर अच्छी तरह से रात भर फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ आधा भूसा पानी में डला चुका है। तो अब हम बाकी बचे भूसे को भी पानी में डालकर अच्छी तरह से फूलने के लिए छोड़ देते हैं।
आप देख सकते हैं हमारा सारा भूसा पानी में डल चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर में भी पानी आ चुका है। अब हम इसे रात भर फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब इसे हमें प्लास्टिक से ढककर रात भर फूलने के लिए छोड़ देना है। तो आप देखिए और समझिए किस तरह से हमें इसे प्लास्टिक से ढकना है। ध्यान रहे आप इसे जब ढक रहे होंगे तो चारों तरफ से अच्छी तरह से ढके, कहीं पे भी गैप ना छोड़े। अब हम इस प्लास्टिक को अच्छे तरीके से बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से दबा देंगे। हम इस तरह का पत्थर चारों ओर इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो बिचौलिया है वो पानी में अच्छी तरह से भीगा रहे। इस तरह का वजन देने का मतलब यही है कि हमारा जो बिचौलिया है वो पानी में रात भर भीगा रहे। तो दोस्तों हमारा जो बिचौलिया है वो अब रात भर फूलने के लिए तैयार है। तो अब हम इसे रात भर इसी तरह से छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है। हम इसके अगले भाग में आपको सिखाएंगे कि पैकेट किस तरह बनाते हैं और मशरूम स्पॉन को किस प्रकार से लगाना है।